बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो मैं आज आपके साथ बड़ी ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में वॉच कीजिएगा। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो रेसिपी है उसके लिए हमें चाहिए मूलियाँ। मैंने ली हैं कश्ती हुई, और ये हैं 8 से 10 अदद मूलियाँ हैं, और इनको हम चूल्हे पर रख लेंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे, इसको हमें बॉईल करना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें जरूरत ले लेंगे, तकरीबन 2-2.5 गिलास तक 3 गिलास इतने पानी में, इतना पानी मैंने ऐड किया है। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पालक। और ये आप पालक देखने कितनी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको बारीक काट लिया है, धो लिया है, बाद में हमने इसमें डाल दिया है। और इसको हम बॉईल कर लेंगे। पालक और मूलियाँ जो हम बॉईल कर रहे थे, हमें हल्का सा इनको उबाला देना है, ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना। और अभी 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और अभी हम इनका जो है पानी निचोड़ लेंगे। आप छानने वगैरह से इनका पानी निकाल लें। छानने में हम निकालेंगे इसको। इसको हमने छानने में डाल दिया है, और अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और अभी हम इसका जो है मसाला वगैरह तैयार कर लेंगे। कोई भी आप बर्तन ले लें जिसमें आप बनाना चाहें, कढ़ाई ले लें, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। मैंने पतीला लिया है, और इसमें हम घी डालेंगे। हांडी के हिसाब से आप डाल लें, हंसवे से जितना आप पसंद करती हो। कुछ हांडी में थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, अगर दूसरा हो तो उसमें थोड़ा सा कम भी चलता है। इसको हम घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, और अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, और ये सब्ज़ प्याज हैं। अगर आप दूसरे डाल रही हैं तो आपने 2 अदद लेने हैं। लाइट सा रेड कर लेंगे हल्का हल्का सा। प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है रेड, और अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं, हल्का हल्का ही होना स्टार्ट हुआ है, हमने ज़्यादा नहीं इसको करना। टमाटर आप बारीक काट के डालें, 2 अदद लिए हैं। सात से आठ अदद हम इसमें सब्ज मेथी में डालेंगे बारीक काट के।
तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मिर्च और टमाटर डाले हुए हैं और अभी हम इसमें आधा कप पानी का डालेंगे और इसमें अभी नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे। 1.5 टीस्पून हम नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच वन टीस्पून हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 4 से 5 मिनट इसको पकने देंगे। अभी हम इसमें पालक और जो मूलियां थी कच्ची हुई इनको डाल देंगे और इनमें से पानी निचोड़ हो गया है और अभी ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म भी है तो इसमें से हम पानी निचोड़ के हम इसको डाल देंगे। पानी इसमें बहुत ज्यादा होता है इस वजह से इसको निचोड़ा है तो पानी निचोड़ के हमें इसमें डाल देना है। इसमें हमने पालक और मूलियां डाल दी हैं और अभी हम इसको 10 से 12 मिनट हल्की हल्की आंच पर अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसको। साथ साथ आप चमचा भी लाते रहें दो ही। 10 से 12 मिनट बाद जो हमारी हांडी है वो बनके रेडी हो जाएगी। हमारी हांडी तकरीबन बनके रेडी हो गई है और अभी हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ी धनिया फ्रेश जिसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त आती है वो डाल देंगे। और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, साबुत डाल रही हूँ मैं तो ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त हमें खुशबू देता है, इसको डाल दिया है और अभी हम मिक्स कर देंगे हांडी को। हल्की हल्की आंच पे हमने इसको अच्छे से भून लिया है। हमारी मज़ेदार सी प्यारी सी रेसिपी मूली और पालक की बन के रेडी हो गई है और झटपट बनाई जा सकती है और बहुत ही आसान सी और मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए अभी जो हमारी रेसिपी बनी है उसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। लो जी हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो गई है मूली पालक की। आप भी ट्राई करें, ट्राई करके बताइएगा कि कैसी बनती है, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, बना के टेस्ट करके बताइएगा कि कैसी बनी। और जो फ्रेंड्स भी हैं पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना बंद भूलिएगा। और मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।